हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हर साल की तरह इस साल भी रमजान की आमद हुई तो महंगाई का भूत बोतल से बाहर निकल आया। रोजमर्रा की अशिया, सब्जी और फ्रूट्स के दाम आसमान से बातें करने लगे। दूसरी जानिब अवाम का ये कहना है कि रमजान के इस बलारे महीने में जो है इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी के लिए मना अफतारी के लिए भी परेशानी है। हालत ये है कि हमारे इतने इदारे मफलूज हो गए हैं, डिप्टी कमिश्नर, एसीसीनजोर, मुख्तारकार, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और प्राइस कंट्रोल मार्केट कमेटी वो रिश्वत का अखाड़ा बनी पड़ी हुई है। इस रमज़ान से पहले 30 रुपये 40 रुपये बिकती थी, वो भाई 80, 100 रुपया, 125 रुपया हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। इसलिए कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए। आए रमज़ान जैसे शुरू आए भाईजान, बहुत महंगाई हो गई है। जो चीज़ 20 रुपये में मिलती थी वो 50 रुपये कर दिया है। हदवाना और जो सब्ज़ी फ्रूट फल हर चीज़ जो है डबल हो गया है, डबल रेट पे हो गया है। अभी जो गरीब आदमी है वो जो है सो सहरी पानी पे और इफ्तारी जो है वो खजी पे करते हैं, बहुत परेशानी है। और जो है ये अथॉरिटी वाले हैं, रोकथाम वाले, वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि वो सहरी पानी पर और इफ्तारी खजूर पर करने पर मौजूद है। अब देखना है कि अलाकाम क्या करती है। कैमरामैन टीम के हमरा मीर अल्ताफ, सिटी।